हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है एक्सेल को लेकर, एक्सेल में डेटा को ऐड कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड, आई होप आप सब तैयार होंगे नए टॉपिक पर, टॉपिक को सुनने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं कुछ नया। फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारे टॉपिक कैसे लगते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड, आज एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक विद देव प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड, आपको पता ही होगा हमने एक्सेल सीखना शुरू किया हुआ है और आज उसका फोर्थ पार्ट लेकर हम आपके बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आई होप आप उस पार्ट के बारे में जानना चाहते होंगे, तो चलिए आपको बता देते हैं। आज का हमारा फोर्थ पार्ट है ऐड डेटा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हैप्पी लर्निंग। तो फ्रेंड, हर बार की तरह ये जो रिकॉर्डिंग होगी वो दोनों उसके टॉपिक्स के साथ, जो स्क्रीन रीडर के साथ होगी एनवीडीए और जो उसके साथ। तो सबसे पहले हम जो एनवीडीए की बात करेंगे, तो मैं एनवीडीए ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल ओल्ट और एन से। तो फ्रेंड, जैसे आपने देखा इन वीडियो ओपन हो चुका है। तो ये फ्रेंड मैंने आपके लिए स्पीक कमांड स्क्रीन की वो पीक कमांड कीज वो ऑन की है, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड डेटा करने के लिए सबसे पहले मुझे एक एक्सेल की वर्कबुक चाहिए, ब्लैंक वर्कशीट चाहिए, सॉरी मैं एक्सेल 2016 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें वर्कबुक नहीं होती है और इसमें वर्कशीट है एक, तो नई शीट्स बनानी पड़ती हैं हमें, तो वो सब चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी, कोई बात नहीं। तो मैं एक नया वर्कशीट ओपन करता हूँ, एक्सेल ई लिखने से ही। अब ब्लैंक वर्कबुक फ्रेंड ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लेआउट की एक बार वर्कशीट की बात कर लेते हैं। इसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और फिर सेल बनता है एक, तो B1 बी वन शिफ्ट
ए जो है वो कॉलम है, कॉलम है, और बी जो वन है वो रो है, ठीक है। टू दूसरी लाइन आ गई, ठीक है फ्रेंड। तो मैं सबसे होम पे आ गया हूँ, और फ्रेंड मैं ये कहूँगा कि आप मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो XFB1 ये है कॉलम, तो इतने हमारे पास को इस पे कॉलम और रोज हैं, और ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और फिर से A1, ठीक है। तो इस पे राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो से मैंने आपको नेविगेट करना बता दिया है, ठीक है। टैब से भी हम नेविगेट कर सकते हैं। कर्सर आगे जा रहा है, राइट साइड जा रहा है कर्सर, ये G1, F1, A1 ऐसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ। अच्छा फ्रेंड, तो अभी मेरा जो कर्सर है वो कहाँ है, ठीक है, मुझे पता नहीं है। तो मैं कर्सर की पोजीशन चेक कॉलम कॉलम बताएगा। तो ये चीज़ तो NVIDIA के साथ नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, पर ये जोस के साथ है। तो A55 पे था मेरा कर्सर, कोई बात नहीं। तो अब इसमें मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, नेम हो गया, और कंपनी ठीक है। कंपनी नेम, और अब हम लिखते हैं इसमें बस इतना ही है, मैंने कंपनी नेम और ये ऐड डाटा कर लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया ऐड। तो अभी जो है मेरा डाटा जो है वो मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है, कंपनी नेम हो गया, Order, space. CPR, L, plus, left arrow, seat one, table, name, A1.
Worker name. तो नहीं, पर वर्कर नेम की हेडिंग तो नहीं होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो अभी मैं नेम में नेम लिख देता हूँ। नाम लिखते हैं हम तो फ्रेंड ऐसे मैंने चार बंदों के नाम ले लिए और अब इनका कंपनी नेम लिख देते हैं। कोई बात नहीं, तो worker name. चलो तो ये तो फ्रेंड था हमारा डाटा और ऐड करना, ठीक है। अब अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस दबा देता हूँ, खाली हो गया। अंडू लाना है, वापस लाना है तो कंट्रोल, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो हो गया मेरा इतना, ठीक है, मतलब कि मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब एडिट करना है तो F2 प्रेस करेंगे, तो हमारा कर्सर जो है वो नेम के एंड में है। ठीक है, वर्कर नेम, ठीक है। तो ऐसे आप एडिट कर सकते हो कुछ भी। कंपनी लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया, कंपनी भी होगी और वो भी हो गया नेम। तो अभी फ्रेंड ऐसे तो डाटा को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम जोश के साथ कि कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। जोश के साथ एक्सेल में डेटा कैसे ऐड करते हैं, तो इंसर्ट कंट्रोल ऑल्ट जे किया मैंने, ओडोसिटी खुल गया था गलती से, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम एक्सेल खोलते हैं, ब्लैंक वर्कबुक मैंने ओपन की है, XFD1 ये हमारा कॉलम है और रो चेक करेंगे। कंट्रोल डाउन एरो से, ठीक है। तो ये तो हो गया, टैप कर रहा हूँ, ठीक है, राइट एरो, तो अब मैं फिर से यहाँ पे डाटा ऐड करता हूँ, ठीक है। नया कुछ भी हम डाटा ऐड करते हैं, नेम लिख दिया, ठीक है। नेम के बाद लिख देते हैं हम क्लास, ठीक है, नेम एंड क्लास। तो अभी मेरा कर्सर कहाँ है मुझे नहीं पता, A5 पे, ठीक है। रानी को मैंने डिलीट करना है, तो मैं बैक स्पेस दबा देता हूँ, तो फ्रेंड ऐसे आप डाटा को ऐड कर सकते हो और इसके अंदर हम बेसिकली जो एक्सेल है ये मैथ करने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर आप जैसे एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, देखिए 1,000, 0, 0, 1,000, 0, 5, 0, 50, 1,000, 0, 5, A11, देखिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, आप एक्सेल में शीट्स बना सकते हो, ठीक है, बायोडाटा तैयार कर सकते हो, ठीक है, और रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड अभी तो मुझे लगता है कि आपको
सब कुछ सिखाऊंगा, पर धीरे धीरे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड आई होप आपको मेरा जो ट्यूटोरियल था वो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड नई नई जानकारियों के साथ मैं आपके बीच में प्रस्तुत होता रहता हूँ समय समय पर। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहें और अपने सब्सक्राइबर से यही निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए ट्यूटोरियल्स को ध्यान से सुनें और इंजॉय करें। Back button, new one, back, new one, start, cancel, save button.